हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आप सभी का क्रेजी जिकेट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस चैनल पर राजस्थान का भूगोल की शुरुआत करने वाले हैं। देखो, राजस्थान के भूगोल की अगर बात करें तो राजस्थान का जो एग्जाम है, किसी भी टाइप के एग्जाम में राजस्थान के भूगोल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसको बहुत ही अगर बात करें तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और हर एक चीज को, हर एक पहलू को देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं और आने वाले एग्जाम में बनने की संभावना है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। तो शुरुआत करेंगे आज से, हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे और राजस्थान के भूगोल की हम बात करेंगे। देखिए, राजस्थान के भूगोल की अगर बात करें, हम स्टार्ट जो करने वाले हैं राजस्थान का भूगोल। ठीक है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल आपके हर एक एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और किस टाइप से पूछे जाते हैं, आजकल का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन हमें पढ़ने के बाद भी वहां एग्जाम हॉल में क्यों गलत हो जाते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। राजस्थान के भूगोल के हम इस चैनल पर शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत करेंगे हम, जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान के, अगर बात करें तो राजस्थान का सामान्य परिचय। हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का सामान्य परिचय, इससे हम शुरुआत करेंगे। राजस्थान का सामान्य परिचय, परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय। अब इसके राजस्थान के सामान्य परिचय में आएगा कि राजस्थान का नामकरण कब हुआ, है ना? क्या आएगा? राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नामकरण की बात होगी सबसे पहले कि राजस्थान नाम आया कहां से, किसकी बात होगी? नामकरण की बात होगी, है ना? जैसे ही अगर बात करें अपने घर में बच्चे का जन्म होता तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका नामकरण करते हैं, है ना? तो हमने भी आज स्टार्ट किया है राजस्थान का भूगोल, तो हम क्या करेंगे, नामकरण, यानी राजस्थान का नाम कौन से, किस जगह, किस टाइप में मिलता है, सर्वप्रथम किसने कहा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं राजस्थान के नामकरण की, अगर बात करें तो आपका राजस्थान का नाम, राजस्थान का नाम, नाम, नाम सर्वप्रथम, सर्वप्रथम किस शिलालेख में मिलता है, ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा शिलालेख है वहां पर राजस्थान का पहली बार नाम मिला, कौन से शिलालेख में राजस्थान का पहली बार नाम मिला? ठीक है, तो ध्यान यही देना है, राजस्थान का पहली बार नाम जो मिला है हमें, वो ध्यान ये रखना है आपको, एक शिलालेख आता है उसका नाम है गोसुंडी शिलालेख। कौन सा शिलालेख? गोसुंडी शिलालेख, शिलालेख, अगर मैं बात करूं राजस्थान का सर्वप्रथम नाम कहां मिलता है तो मिलेगा गोसुंडी शिलालेख में मिलेगा। कौन से शिलालेख में मिलेगा? गोसुंडी शिलालेख। अब भाइयों, तो गोसुंडी शिलालेख है कहां पर है आपका, तो ध्यान ये देना, ये आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। किस जगह हो जाएगा? गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा और राजस्थान का सर्वप्रथम नाम इस शिलालेख में मिल रहा है। ये कब मिलना, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए 532 ईसा पूर्व में, ये सबसे पहले जो नाम मिला वो कहां मिला, चित्तौड़गढ़ में, किस शिलालेख में मिला, गोसुंडी शिलालेख में, और कब मिलता है तो 532 ईसा पूर्व में, ये आपको मिल जाता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब लेकिन नाम तो मिल गया, लेकिन यहां नाम क्या मिला राजस्थान का, राजस्थान का यहां जो नाम मिलता है, राजस्थान को जो यहां पर नाम मिलता है वो ध्यान देना, राजस्थानीय द्वितीय, क्या मिलता है, राजस्थानीय, राजस्थानीय द्वितीय के रूप में मिलता है, राजस्थान ये द्वितीय के रूप में मिलता है। तो आपको जानकारी हुई कि राजस्थान का नामकरण से हमने स्टार्ट किया और राजस्थान का नामकरण सर्वप्रथम कहां मिला, चित्तौड़गढ़ में मिला, और कौन से, अगर बात करें तो कौन से शिलालेख में मिला, वो आपका गोसुंडी शिलालेख 532 ईसा पूर्व, और उस समय जो नाम मिलता है हमें, तो वो जो मिल जाएगा राजस्थानीय द्वितीय के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी के द्वारा कि राजस्थान का सर्वप्रथम नाम कौन से शिलालेख में मिला, उस शिलालेख में ऑप्शन में, उस ऑप्शन में गोसुंडी शिलालेख ऑप्शन में ही नहीं था,
तो ध्यान रखना उसका आंसर जो माना गया वो बसंतगढ़ शिलालेख माना गया। उसका आंसर क्या माना गया? बसंतगढ़ शिलालेख माना गया। तो वो भी देखते हैं। राजस्थान का दूसरी बार नाम कब मिला, कब वे कहां मिला, इसकी अगर मैं बात करूं कब वे कहां मिला, तो इसकी मैं अगर बात करूं तो ये जो हो जाएगा आपको ध्यान देना, दूसरी बार जो मिलेगा एक शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बसंतगढ़ शिलालेख। ओके, ये शिलालेख कहां हो जाएगा आपका? बसंतगढ़ जो शिलालेख हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सिरोही। कहां हो जाएगा? सिरोही में हो जाएगा। ठीक है, अब यहां अगर मैं बात करूं तो यह सिरोही में कब मिलता है, तो ध्यान ये रखना इसका टाइम ये आपको हो जाएगा 625 ईस्वी में मिलता, 625 ईस्वी में मिल रहा है, या ईसा पूर्व मिल रहा है या 625 ईस्वी में मिल रहा है। देखो यहां पर ध्यान रखना 682 विक्रम संवत भी आ सकता है ना, 682 विक्रम संवत। ठीक है, क्योंकि हमें पता है विक्रम संवत और ईस्वी में कितने साल का डिफरेंस हो जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए 57 वर्ष का अंतर रहता है किसमें आपका, अगर मैं बात करूं ईस्वी और विक्रम संवत में। तो इसको ध्यान रखना है कि राजस्थान का दूसरी बार जो नाम मिला वो बसंतगढ़ शिलालेख में मिला, और बसंतगढ़ शिलालेख कहां हो जाएगा? सिरोही में हो जाएगा, और आपका कहां? 625 ईस्वी और 682 विक्रम संवत हो जाएगा, ये आपको जानकार है। अब देखो दो चीजें अपने सामने आएगी, दो शिलालेख आगे, सर्वप्रथम गोसुंडी शिलालेख, दूसरी बार बसंतगढ़ शिलालेख, है ना। अब एक जब क्वेश्चन पूछा गया आरपीसी ने, यहां पर थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हुई क्वेश्चन के बारे में, लेकिन ध्यान रखना जब पूछा गया इस लाइन को उठा कर दे दिया और उसमें ऑप्शन में गोसुंडी डाला ही नहीं, जब ऑप्शन में गोसुंडी है ही नहीं तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? बसंतगढ़ होना चाहिए। ठीक है, ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब लेकिन ध्यान ये रखे, नाम तो मिल गया, अब नाम मिलने के बाद यहां पर अगर मैं बात करूं तो नाम क्या मिला, तो वो समझे, यहां पर जो नाम मिला, मैं यहां जो नाम मिला, यहां जो नाम मिलता राजस्थानीय द्वितीय मिलता, राजस्थानीय द्वितीय मिलता, क्या मिलता है? राजस्थानीय द्वितीय मिलता है। तो इसका मतलब हमारे पास नाम तो आ गए, एक तो पहली बार जो नाम आया वो राजस्थानीय आया, दूसरी बार जो नाम आया वो राजस्थानीय द्वितीय के रूप में आया, अभी भी कंप्लीट रूप से राजस्थान नाम अपने सामने नहीं आया, है ना। ये चीज आप समझ रहे होंगे। देखो हम बहुत आराम से और बहुत जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही जीरो से हर एक चीज को क्लियर कर रहा हूं, आपके डाउट ज्योग्राफी में डाउट नाम की चीज आज के बाद नहीं होगी, और बहुत ही अच्छे लेवल की पंप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो कभी भी ध्यान रखो, एक बार पढ़ो उसके बाद उस चीज को वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मैं आपको एक ही बार पढ़ाऊंगा लेकिन ऐसी पढ़ेंगे कि आपके आने वाले 4 से 5 सालों तक इसको वापस राजस्थान ज्योग्राफी को देखने की नहीं जरूरत पड़ेगी, केवल नए अपडेट के साथ अगर आप देख सकते हो, नया अपडेट जो हर साल होता है वो तो देखना ही पड़ेगा। चलिए ये चीज समझ में आई? ओके, आई थिंक ये चीज दोनों क्लियर हो गई होगी, पहले गोसुंडी दूसरा बसंतगढ़, 532 ईस्वी पूर्व और 625 ईस्वी में हो जाएगा, और विक्रम संवत हो जाएगी 682। ठीक है, चलिए आगे। ओके, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का है ना, ये दो हो गए, तो तीसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं, राजस्थान को सर्वप्रथम राजपुताना किसने कहा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी, यहां से जो क्वेश्चन बनता है बहुत तरीके से बनता है, और इसमें आपको ध्यान होना सर्वप्रथम जो राजपुताना कहा वो आपको किसने कहा भाई? जॉर्ज थॉमस ने। किसने कह दिया ये? किसने कह दिया? सर्वप्रथम जो कहा अगर मैं बात करूं तो किसने बोल दिया भाई? आपके बोल दिया जॉर्ज थॉमस। ये कौन थे? ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, ये कहां के थे? आयरलैंड के थे। किस जगह के थे? आयरलैंड के। सर्वप्रथम राजपुताना किसने कहा? राजपुताना ध्यान होना चाहिए, सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज थॉमस। में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है,
ठीक है, हम बात कर रहे हैं सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं, यहां से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन यहां से आते ही हैं, है ना। इसके बाद भी हम बहुत ज्योग्राफिकल में शुरुआत जो करेंगे ज्योग्राफी के, है ना, बहुत अच्छी तरीके से आगे के चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। देखो अगर बात करूं ये कब दिया, नाम कब अनाउंस हुआ, तो 1800 ईस्वी में, है ना, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम कब दिया, 1800 ईस्वी में दिया। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अगर मैं बात करूं इन्होंने किस में दिया, हमें हमारे पास क्या सबूत है, कौन सी पुस्तक में दिया, एविडेंस क्या हमारे पास, एक पुस्तक है उसका नाम जो हो जाएगा, एक पुस्तक हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, है ना, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में थॉमस ने इन्होंने ये नाम दिया राजपूताना। बहुत बार पूछा गया आपके, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, ये किसी ना किसी एग्जाम में या हर एग्जाम में देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये इसके लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, देखो ये ध्यान देना, ये थोड़ी सी अलग बात हो जाएगी। इस पुस्तक के लेखक कौन आ रहे हैं, इस जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के लेखक कौन है, अगर ऑप्शन में जॉर्ज थॉमस है तो आपका दिमाग हो सकता है यहां जा सकता है, हो सकेगा कि यहां पर आपका दिमाग जाए, लेकिन नहीं, इसके लेखक चेंज हो जाएंगे। लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके विलियम फ्रैंकलिन। लेखक कौन हो जाएंगे भाइयों, विलियम फ्रैंकलिन इनके लेखक हो जाएंगे, ध्यान रखना। राजस्थान को राजपूताना किसने कहा, जॉर्ज थॉमस ने कहा, कब का, 1800 ईस्वी में, और कौन सी पुस्तक में कहा, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और इसके जो लेखक है वो लेखक कौन हो जाएंगे आपके, अगर मैं बात करूं तो विलियम फ्रैंकलिन इनके लेखक हो जाएंगे। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद एक और आता नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और यहां से तो क्वेश्चन की जड़ी लगेगी, है ना, तो समझे। अगर चौथे नंबर पे मैं लूं कि राजस्थान को राजस्थान को थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखते हैं, राजस्थान को चौथे नंबर पे हो जाएगा, राजस्थान या रजवाड़ा, देखो तीनों ने नाम ध्यान रखे, राजस्थान को रायथान, राजस्थान या रजवाड़ा किसने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसने कहा भाई, किसने कहा, इसको समझते हो, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। देखिए अगर मैं बात करूं, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक नाम आता है, उसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। अब कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान कहा, है ना, सर्वप्रथम राजस्थान को राजस्थान कहने वाले कौन हो जाएंगे, कर्नल जेम्स टोड हो जाएंगे। और रजवाड़ा किसने कहा, इन्होंने ही कहा भाई साहब, और रायथान कहा, इन्होंने बोल दिया। तो तीन नाम दिए उन्होंने, राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान। अगर मैं बात करूं जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया, राजपूताना। देखो दोनों में कंफ्यूज क्रिएट होता है, जब आपका अगर राजपूताना आएगा और ऑप्शन में आपको जरूर और जरूर देखने को मिलेगा जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टोड। राजपूताना आए तो आपको अलग से जॉर्ज थॉमस याद करके जाएं, यहां जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा हमें दोनों आते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपको ऑप्शन अलग अलग लगेंगे, वहां पर डूंगरपुर भी आपको बांसवाड़ा लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो राजपूताना जैसे आए तो आपको जॉर्ज थॉमस क्या लग जाएगा, कर्नल जेम्स टोड। तो अलग अलग, राजपूताना, जॉर्ज थॉमस, रायथान, राजस्थान, रजवाड़ा, ये कर्नल जेम्स टोड ने दा। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी। तो आगे बढ़ते, ये कब दिया नाम आए, तो आपको अगर सीधा सा आपको लिखना क्या है, 1829 में दिया। कि अच्छी बात सर, कब दे दिया, 1829 में दे दिया, मतलब 1800 में इन्होंने दिया, इसके 29 साल बाद इन्होंने राजपूताना को राजस्थान नाम दे दिया, कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। लेकिन ये कौन सी पुस्तक में दिया,
एविडेंस सबूत तो होने चाहिए ना अपने पास। ऐसा तो मैं ही बोल दूंगा भाई उस पुस्तक में मुझे मिला नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। कौन से पुस्तक में दिया गया, तो पुस्तक का नाम देखेंगे, बहुत फेमस पुस्तक है, पुस्तक का जो नाम हो जाएगा बहुत फेमस पुस्तक है, इसको समझो। पुस्तक जो होगी द एनाल्स एंड द एनाल्स एंड द एनाल्स एंड एंड एंटीक्यूटीज द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। इसमें आपको क्या नाम मिल रहा है, द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में राजस्थान को राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा नाम मिला, और किसने दिया, तो ये जो दिया आपको ध्यान होना चाहिए, कर्नल जेम्स टोड ने दिया। कब दिया, 1829 में दिया। कब दिया, 1829 में दिया। और इस पुस्तक को मैं आईएमपी कर रहा हूं, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं, इसी के बारे में अगर बात करें, एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, इसका एक नाम और मिलता है, उसको डिस्कस करते हैं। इसका जो नाम मिलेगा, एक और नाम मिलता है ना, इसी का नाम अन्य नाम, क्या नाम हो जाएगा, अन्य नाम। अन्य नाम जो मिलेगा भाइयों, देखो सेंट्रल सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत राजपूत इन इंडिया। देखो इंडिया में अगर बात करूं तो राजपूत कहां मिले हमें, है ना, या तो मध्य भाग में मिले, और या फिर आपके पास राजस्थान मिले तो वेस्टर्न भाग में मिले। तो इसका नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत इन इंडिया हो जाएगा। किसका नाम, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का ही एक नाम और मिल जाता है। अगर मैं बात करूं तो उस पुस्तक के दो भाग आए थे, कितने भाग आए थे, दो भागों में वो लॉन्च हुई थी, ये भी ध्यान रखना, कितने भागों में लॉन्च हुई थी, दो भागों में। भाग नंबर वन, एक भाग फर्स्ट आया था, एक भाग जो आया था सेकंड आया था, दोनों को ध्यान रखें, पूछा जा सकता है भाग सेकंड, है ना। ये भाग वन जो आया था, फर्स्ट जो आया था, ये आपके आ गया था 1829 में। कब आ गया था, 1829 में। लेकिन ध्यान रखना, ये सेकंड पार्ट जो आया था, ये आ गया 1832 में। इसलिए कभी कभी आपको इस पुस्तक का डेट ये भी देखने को मिल सकता है कि ये नाम कब मिला, अगर बात करें 1832 में कर्नल जेम्स टोड ने दिया, नहीं, लेकिन इसका प्रथम भाग इसमें आ गया था, है ना, प्रथम भाग में नाम मिल गया, तो उसके बाद सेकंड में मिले या नहीं मिले, और सेकंड में भी आया ही होगा, ठीक है। तो हमें तो पहली बार, तो ध्यान रखना, भाग फर्स्ट में कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक थी, द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, उसका भाग फर्स्ट, उसका एडिशन फर्स्ट कब आया, अगर बात 1829 में, भाग सेकेंड आ गया 1832 में, ये चीज समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद जो बात करें, है ना, कौन सा कलर दिख रहा, अच्छा चलो ब्लैक से ही करते हैं, ओके। इसके बाद हो जाएगा कि कर्नल जेम्स टोड को किन किन नामों से जानते हैं, जैसे राजस्थान के इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास इतिहास का पिता किसे कहेंगे हम, ये कर्नल जेम्स टोड को बोल देंगे। किसको कहेंगे, कर्नल जेम्स टोड को हम क्या बोल रहे हैं भाई, राजस्थान के इतिहास का पिता बोल रहे हैं, कर्नल जेम्स टोड को हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इनका नाम एक और मिलता है, घोड़े वाले बाबा, क्या मिलता है, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड, और इसी का नाम अगर बात करें घोड़े वाले बाबा मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक बात और समझो कि इनके नाम पर एक नगर भी रखा हुआ, इनके नाम पर एक नगर का नाम है टोडगढ़, है ना, एक टोडगढ़ तहसील हो जाएगी, एक टोडगढ़ तहसील हो जाएगी, जो किस में आती है, अभी किस में आती है, ध्यान रखना, ब्यावर में आती है ना,
टोडगंज, कर्नल जेम्स टोड के नाम पर एक तहसील है, नगर है, कस्बा है, उसका नाम हो जाएगा टोडगढ़ हो जाएगा। और ये टोडगढ़ अभी तहसील है जो कहाँ आती है, ब्यावर में आती है। और ध्यान रखना है, पहले किस में आती थी, अजमेर में आती थी, अभी नए जिले के हिसाब से आपके किस में आ जाएगी, ब्यावर में हो जाएगी। और ये टोडगढ़ का अगर बात करें तो पहले जो नाम था, ये पहले जो नाम था वो हो जाएगा बोरा, बोरासवास। कौन सा नाम हो जाएगा, बोरासवास हो जाएगा, बोरासवास या बोरासवाड़ा, बोरासवाड़ा कर लो, है ना, इसका नाम एग्जैक्ट हो जाएगा बोरास, बोरासवाड़ा, बोरसवाड़ा या बोरासवाड़ा इसका नाम हो जाएगा। किसका, अब पूछा जा सकता है टाटगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, बोरासवाड़ा हो जाएगा। और ये टोडगढ़ का नाम अगर बात करें, कर्नल जेम्स टोड के नाम पर रखा गया। आई थिंक चीजें क्लियर हुई। हमने सबसे पहले पढ़ा सर्वप्रथम राजस्थान का नाम राजस्थानी के रूप में गोसुंडी, सेकेंड बसंतगढ़ शिलालेख में, थर्ड हमने दिया राजपुताना किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने, चौथा हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान को रायथान, राजस्थान या रजवाड़ा किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने, और इनके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, चार चीजें से ये क्वेश्चन, हर एक लाइन से, हर एक अगर बात करें उनसे, अगर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। चलिए अब हम देखेंगे आगे। अगर मैं बात करूं पांचवें नंबर पर, पांचवें नंबर की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा आपका राजस्थान को मरुकांतर, राजस्थान को मरुकांतर किसने का, राजस्थान को मरुकांतर किसने का, तो यह ध्यान होना चाहिए किसने का, अगर बात करें तो वाल्मीकि ने का, राजस्थान को वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि रामायण की रचयिता वाल्मीकि, जो रामायण काल में, रामायण काल में, है ना, रामायण, रामायण काल में, है ना, काल में कहा वाल्मीकि ने, कहा किस काल में कहा, तो रामायण में कहा, ध्यान होना चाहिए। पूछा जाएगा राजस्थान को मरुकांतर किसने कहा, तो मरुकांतर किसने कह दिया भाई, मरुकांतर जो बोल दिया, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि वाल्मीकि ने बोल दिया, कह दिया, और कौन से काल में, रामायण में। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा रामायण काल में या रामायण के समय में राजस्थान का नाम क्या मिलता है, राजस्थान का नाम यही मिलता है मरुकांतर। क्या मिलेगा हमें, राजस्थान का नाम जो मिलेगा वो मरुकांतर मिलेगा, और ये नाम किसने दिया, वाल्मीकि ने दिया। ठीक है, एक नाम और आता है नेक्स्ट, अगला अगर मैं बात करूं, अगला जो नाम आ जाएगा अपने पास, अपने पास जो नाम आ जाएगा, ध्यान दो, इसके बाद आता है कि ब्रह्मवर्त, एक नाम आता है उसका नाम है ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त, राजस्थान का जो नाम ब्रह्मवर्त मिलता है, राजस्थान का जो नाम ब्रह्मवर्त मिलता है, तो एक पुस्तक है, एक पुस्तक है, उसका नाम है ऋग्वेद, ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद, ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद काल में, काल में राजस्थान को, राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहते थे, कहते थे, ये भी पूछा जा सकता है, कहते थे, है ना। ऋग्वेदीन काल की जो पुस्तक, ऋग्वेद, सोमवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद आपने सुना होगा, तो ब्रह्मवर्त का नाम ऋग्वेद में, ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त नाम मिल रहा है, किसका, राजस्थान का नाम मिल रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए, अब आगे मैं बात करूं, अगर आगे मैं बात करूं तो एक नाम आता है, एक आता है मुणोत नैणसिरी ख्यात, कौन सी है, मुणोत, मुणोत नैणसी, नैणसी री, री ख्यात, मुणोत नैणसिरी ख्यात, मुणोत नैणसिरी ख्यात, ख्यात, है ना, इस पुस्तक में भी, इस पुस्तक में भी, इस पुस्तक में भी, पुस्तक में भी राजस्थान शब्द का, राजस्थान शब्द का उल्लेख है, राजस्थान शब्द का उल्लेख है, है ना, ध्यान रखना, राजस्थान शब्द का उल्लेख है। एक पुस्तक और आती है, उसका नाम है राजरूपक, कौन सी है, राजरूपक, पुस्तक का नाम क्या है भाइयों, राजरूपक हो जाएगी ये पुस्तक, एक तो एक हो जाएगी राजरूपक नामक पुस्तक है, इसके लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे वीरबाण, कौन हो जाएंगे, वीरबाण इनके लेखक हो जाएंगे। इस पुस्तक में भी इसका, राजस्थान शब्द का उल्लेख है, राजस्थान शब्द का
का, राजस्थान शब्द का उल्लेख हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसे बन सकता है कि राजस्थान, इनमें से कौन कौन सी पुस्तक में राजस्थान शब्द का जिक्र हुआ है, उल्लेख हुआ है, तो ध्यान रखना आपको ये रखना, राज रूपक हो जाएगी, एक हो जाएगी मूणोदयनसी हो जाएगी, है ना, ऋग्वेद हो जाएगा, रामायण में हो जाएगा, रामायण काल में हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं, ध्यान रखें। अब इसके बाद आ जाएगा कि राजस्थान कौन, राजस्थान का अगर मैं बात करूं एकीकरण के समय राजस्थान नाम हमारे सामने कब आता है, तो उसका मैं जिक्र करता हूं, उसका ये जिक्र करेंगे कि एकीकरण के समय, है ना, एकीकरण, एकीकरण के समय, के समय, है ना, एकीकरण के, या एकीकरण के कौन से चरण में, एकीकरण के, एकीकरण के कौन से चरण में, चरण में राजस्थान, राजस्थान नाम पहली बार मिला, पहली बार सामने आया या मिला, पहली बार मिला, तो यह ध्यान देना होना चाहिए कि एकीकरण का एक चरण था, उसका नाम था दूसरे चरण में, है ना, कौन से चरण में, दूसरे चरण में। अब दूसरे चरण में अगर मैं बात करूं तो दूसरा चरण कब आया, तो वो ध्यान होना चाहिए आपको, दूसरा चरण जो आ जाएगा 25 मार्च 1949 को, है ना, 25 मार्च 1949 को दूसरा चरण जो आया, है ना, ठीक है। अब इसमें क्या नाम मिला आपको, इसमें जो नाम मिला वो ध्यान रखना पूर्वी राजस्थान, इसमें जो नाम मिल जाएगा आपका क्या मिल जाएगा, पूर्वी राजस्थान मिल जाएगा, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए, ये आपको आया। देखो दूसरे राजस्थान के दूसरे चरण में क्या मिल रहा है, हमें राजस्थान का नाम पूर्वी राजस्थान मिल रहा है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। कब मिल रहा है, अब राजस्थान का, है ना, 25 मार्च 1948 को, 1949 को दूसरा चरण हुआ, इसमें पूर्वी राजस्थान आ गया, तो हमें एकीकरण में भी आ गया समझ में, है ना। तो वापस देखते हैं, मरुकांतर वाल्मीकि में मिला और ब्रह्मवर्त ऋग्वेद में मिला, मूणोदयनसी ख्यात में आपका राजरूपक पुस्तक में, दोनों में आपका जिक्र हो रहा है। एकीकरण के समय राजस्थान का नाम जो मिल रहा है वो पूर्वी राजस्थान मिल रहा है, 25 मार्च 1949 को मिल रहा है। पूछा जा सकता है कौन से चरण में मिलता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए दूसरे चरण में मिल रहा है। चलिए इसके आगे और डिस्कस करेंगे, इसके आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब एकीकरण में हो गया, तो राजस्थान का प्रथम प्रशासनिक नाम कब मिला, राजस्थान को, राजस्थान को, राजस्थान का प्रशासनिक, राजस्थान का प्रशासनिक, प्रशासनिक रूप से नाम, प्रशासनिक रूप से नाम की अगर बात करें, तो मैं अगर बात करूं प्रशासनिक रूप से, है ना, या इसी को अगर बात करें एकीकरण के रूप में, तो वो हो जाएगा 1 नवंबर 1956 में, है ना, 1 नवंबर 1956 में। अगर मैं बात करूं इससे पहले हम अगर लेना चाहें, तो इसको यहां से इस टाइप से भी ले सकते हैं कि राजस्थान का एकीकरण के समय कब ना, राजस्थान का एकीकरण, एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण कब होता है, कब हुआ है, तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 में, है ना, 1 नवंबर 1956 में एकीकरण होते ही राजस्थान का जो एग्जैक्ट नाम मिलता है, तो वो जो मिल जाएगा राजस्थान मिल जाएगा, है ना, राजस्थान मिल जाएगा, ध्यान रखना राजस्थान मिल जाएगा। राजस्थान का एकीकरण होते ही राजस्थान का नाम क्या मिल रहा है, राजस्थान, है ना, क्योंकि एकीकरण से पहले तो बहुत सारे अलग अलग नाम थे, पहले चरण में लगता, दूसरे चरण में राजस्थान आया लेकिन पूर्वी राजस्थान आया, तीसरे चरण में लगता, चौथे में लगता, एकीकरण सातवां चरण हो गया 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान अपने सामने कंप्लीट रूप से आ गया। और राजस्थान का प्रशासनिक नाम कब आता, राजस्थान का प्रशासनिक नाम, प्रशासनिक नाम की अगर बात करें, प्रशासनिक नाम, तो ये इससे पहले आ जाएगा, या स्वेदानिक नाम भी बोल सकता हूं उसको, प्रशासनिक की जगह मैं स्वेदानिक भी बोलता हूं, स्वीदान में कब नाम आता है, स्वेदानिक, स्वेदानिक नाम, स्वेदानिक या स्वीदान में जो नाम आता है, ध्यान रखना, क्योंकि इससे पहले आ जाएगा 26 जनवरी, स्वीदान कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 में, है ना, ये नाम आ जाएगा। देखो हर एक चीज को ध्यान रखना, जैसा पूछा जाए उसी टाइप से बताना है। तो अब मैं कुछ जिक्र करता हूं, जैसे राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, राजस्थान दिवस, है ना, तो ध्यान रखना राजस्थान दिवस हो जाएगा आपका 30 मार्च को हो जाएगा, कब हो जाएगा, 30 मार्च को हो जाएगा। लेकिन मैं क्वेश्चन अगर पूछ लूं राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं, राजस्थान
का स्थापना दिवस कब मनाएंगे? राजस्थान स्थापना दिवस जो हो जाएगा 1 नवंबर को हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना, क्योंकि राजस्थान स्थापना दिवस हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को स्थापन हुआ, एकीकरण हुआ, तो स्थापना दिवस 1 नवंबर को, और आपका 30 मार्च को जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 मार्च को राजस्थान दिवस हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बात है, लेकिन बहुत जब एग्जाम में पूछी जाती है तो कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे आगे राजस्थान। ये तो सामान्य परिचय था, राजस्थान का नाम कहां कहां मिलता है ना, ऑलमोस्ट हमने 8 से 10 जगह देखी, राजस्थान का जिक्र हो रहा है, और कर्नल जेम्स टोड, ये इंपॉर्टेंट चीजें, या राजपूताना जो जॉर्ज थॉमस ने कहा, ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम शुरुआत करेंगे कि राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, है ना। तो राजस्थान में अगर बात करें, राजस्थान में संभाग और जिले, राजस्थान में, है ना, क्या बात करेंगे, राजस्थान में संभाग और जिले, राजस्थान में संभाग कितने हैं, 7 संभाग, वे जिले 33। ये तो बात हो गई पुरानी, है ना, ये तो हो गई पुरानी बात। ये कैसी बात होगी, आपके पुरानी बात हो जाएगी, ये आपके हो जाएगी पुरानी बात, ये लिख लो पुरानी बात। लेकिन नए या वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले हैं, कितने संभाग है, उसकी बात करने वाले हैं। नए जिले और नए संभाग के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, सारी अपडेटेड चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो अगर बात करें वर्तमान में क्या हाल है, तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं, वर्तमान में हो जाएंगे आपके कितने, 10 तो संभाग हो जाएंगे। संभाग कितने हो जाएंगे भाइयों, 10 संभाग हो जाएंगे। तो इसका मतलब नए संभाग कितने बन गए, 3 बन गए। वे जिले कितने हो जाएंगे, जिले जो हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। अब आप और कितने जिले हो जाएंगे, 50 जिले हो जाएंगे। अब कितने बड़े, नए कितने बने, नए जिले। अब इनको देखने से आपको लग रहा है, नए जिले कितने बने, इनको देखने से लग रहा होगा कि सर 33 और 50 मतलब 17 जिले बड़े। नहीं, एक्चुअल में जो जिले बड़े नए, वो आपके 19 नए जिले बने। इनकी भी हम स्टोरी को समझेंगे, कैसे, है ना, समझो कि सर हमें पता है कि पुराने जो जिले थे वो कितने थे, कि सर 33 थे, हमें बचपन से रट के आ रहे ये 33 जिले। तो 33 जिले ये हो गए, कितने जिले हो गए, 33। लेकिन सर ये हमें ये भी पता है कि नवीनतम जिले 19 बने, कि सर ये नए जिले कितने बने, 19। कि लेकिन हमें मैथ्स पढ़ा हमने, तो 33 और 19 सर 52 होते हैं, कितने होते हैं, 52 होते हैं। सही बात है। तो राजस्थान में 52 जिले क्यों नहीं है, ये 50 कैसे, 50 जिले कैसे हुए, इन चीज को मैं कंफ्यूज क्लियर करने वाला हूं आज के बाद। आपको कभी भी कंफ्यूज डाउट नहीं रहेगा, समझो मेरे साथ, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, कोई ऐसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपने बोला कि सर 33 जिले हैं, मैं भी मान रहा हूं 33 जिले थे, है ना, आप भी मान रहे हो 33 जिले, ओके। अब क्या हुआ कि 19 की नई घोषणा होगी, है ना, 19 की नई जिले की घोषणा हो गई। अब लेकिन ध्यान रखना, जब 19 जिलों की घोषणा हुई तो जयपुर और जोधपुर को पहले दो जिलों को इससे घटाया गया, जिलों की श्रेणी से हटाया गया, जयपुर व जोधपुर, कितने जिले, जयपुर वे जोधपुर को क्या किया, जिलों की श्रेणी से हटा दिया गया कि ये जिले नहीं है। तो कितने हो गए, ये 31 हो गए, कितने हो गए, 31। फिर जैसे ही वापस जिलों को हटाने के बाद नया नोटिफिकेशन आ गया, इनको दो दो जिलों में कन्वर्ट कर दिया, जयपुर और शहर और जयपुर ग्रामीण, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। तो कितने जिले नए बन गए, आप बोल रहे सर 19 बने, 31 और 19 कितने होते हैं, ये 50 हो गए। कैसे हुए, कि सर समझ में आ गया कैसे हुए, पहले 33 थे, दो जिलों को हटाया, फिर 19 जोड़े, हटाने का मतलब है कि उनके दो पार्ट कर दिए, जयपुर और जयपुर ग्रामीण पार्ट कर दिए। इस टाइप से आप 31 से कितने हो गए, 50 हो गए। आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी। देखो ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन हो जाता है कि वर्तमान में कितने जिले हैं, 50 52, तो अपना दिमाग वहां अगर फ्लो में 52 हो जाता कि हाँ 33 और 19 नए बने, तो ले नहीं करना। लेकिन अब ये भी हो सकता है कितने नए जिले बने, 19 बने, ये आता है, तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो, 17 33 पहले थे, अब 50 है, 17 बने होंगे, है ना, नहीं ये गलत हो जाएगा फिर आपका, है ना, ठीक है, ध्यान दें, इसलिए आपको ये चीजें समझना जरूरी है। अब हम क्या देखेंगे,
अब हम जो देखने वाले हैं, ये नए जो जिले बने ना, कितने बने? 19 जिले बने। अब इनको याद भी तो होना चाहिए ना, इनको याद भी होना चाहिए, अपने दिमाग में जहन में होना चाहिए। इसको मैं याद करवाऊंगा, बहुत ही तरीके से याद करवाऊंगा, जिंदगी में नहीं भूलने वालों। कैसे याद करवाऊंगा? जिंदगी में नहीं भूलने वाले, उस टाइप से याद करवाऊंगा। चलिए, राजस्थान के मैं लिख रहा हूं यहां पर, राजस्थान के नवीनतम जिले, राजस्थान के नवीनतम 19 जिले। कितने जिले थे भाइयों? 19 जिले, राजस्थान के नवीनतम 19 जिले। ठीक है कि सर, बहुत बढ़िया बात। अब समझो, इसको भूल जाओ, थोड़ी सी मेरी 2 मिनट की स्टोरी है, सुन लो। क्या होता कि आप भी कॉलेज करके आए होंगे, जैसे ही कॉलेज में हम पहुंचते हैं, है ना, तो कॉलेज की बोलते कि हवा लग जाती है ना, अपना थोड़ा सा एडोलसेंस या किशोरावस्था होती है उसमें, और हर एक चीज में एक्टिव रहना। इसी टाइप से एक लड़की थी, उसका नाम है निशा। देखो, किसी भी ये किसी पर्टिकुलर एक लड़की या लड़के को नहीं बोला जा रहा है, एक स्टोरी है याद करवाने की, आपकी ट्रिक है ये, समझ लो। एक लड़की है, उसका नाम है निशा। निशा लड़की फर्स्ट ईयर में गई, सेकंड ईयर तक उसको किसी लड़के से प्यार हो जाता है ना। निशा नाम की लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता, मोहब्बत हो जाती है ना। अब मोहब्बत हो ही गई है तो एक साल चलती है और सेकेंड ईयर खत्म होने वाला होता, थर्ड ईयर खत्म होने वाला होता, सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर खत्म होने वाला था। और खत्म होते होते कि अब हम कॉलेज से बिछड़ जाएंगे, और लड़का कौन था? लड़के का नाम था अनूप, लड़की कौन थी? निशा। ये लो, निशा लड़की थी और लड़का कौन था? अनूप। लड़का कौन हो जाएगा? अनूप हो जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्यार हुआ, थर्ड ईयर में क्या हुआ? बिछड़ जाएंगे। तो लड़के ने बोला कि आप अपने पापा से बात करो, हम अब इस प्यार को शादी में बदलना चाहते हैं, शादी करेंगे एक दूसरे से, है ना। समझना, बहुत ही अच्छी स्टोरी, कभी नहीं भूलोगे। तो निशा को अनूप से प्यार हो गया और बात पहुंच गई शादी तक, और निशा लड़की जाके पहुंच गई अपने पापा के पास और बोलती है, पापा मैं अनूप से शादी करूंगी, ये स्टोरी है हमारी। अब लेकिन एक पापा एक लड़की का क्या करें? आजकल के मॉडर्न जमाने के समय में प्यार हो गया तो अच्छी बात है, चलो ठीक है अब शादी कर लो, है ना। तो इस निशा नाम की लड़की की शादी अनूप से करवा दी गई। क्या? अनूप से करवा दी गई, करवाई जा रही है ना। अनूप से शादी हो गई, और शादी होने के बाद पता चला कि अनूप जो है वो शराबी निकल गया। अनूप जो है वो क्या निकल गया? शराबी निकल गया। जैसे ही शादी हुई फिर पता चला ये तो शराबी है। अब किसी बाप, पापा मीन्स मैं बाप बोल रहा हूं, किसी बाप एक लड़की का लव मैरिज हुई अनूप के साथ और वो शराबी निकल जाता है, तो बाप का दिल तो दुखता है। दुखेगा नहीं दुखेगा? दुखेगा, सबका दिल दुखेगा। तो बाप का दिल बहुत दुखा। अब समझ में आया, स्टोरी को समझते हैं। अब स्टोरी को मैं इस लैंग्वेज, इस भाषा में लिख रहा हूं, इसको समझो। एक लड़की कौन थी आपके दिमाग में आया? निशा लड़की थी। कि सर आपने बताया एक लड़की थी, उसका नाम था निशा। क्या नाम था? निशा नाम था। तो लड़की का नाम क्या हो जाएगा? निशा हो जाएगा। ये लो निशा। अब लड़की को शादी हो गई किससे? अनूप से शादी हो गई। तो आप लोगों की क्या हो गई? लड़की तो दीदी हो गई ना, निशा दीदी। क्या हो गई? दीदी को हम लेंगे डीडी, निशा दीदी। अब किसके संग हुई? निशा दीदी संग। संग बोलते हैं ना, एक दूसरे के संग, संग है ना, संग। निशा दीदी संग, कुंवर सा, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कुंवर। हम बोलते हैं, देखो दुल्हे राजा को हम क्या बोलते हैं? कुंवर सा, कुंवर सा बोलते हैं ना, कुंवर सा आ गया है ना। निशा दीदी संग कुंवर सा अनूप, कुंवर सा कौन है? अनूप। निशा दीदी संग कुंवर सा अनूप, अनूप। निशा दीदी संग कुंवर सा अनूप, बाप का दिल, बाप का, बाप का, बाप फे ले रहा हूं, बाप का दिल, का दिल दुखे। अनूप सा, थोड़ा सा इसे थोड़ा शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा। निशा दीदी संग कुंवर सा अनूप का ब्याह, कुंवर सा अनूप का क्या
का ब्याव बाप के दुखे दुखे, है ना। मतलब निशा की शादी हो गई किसके साथ, अनूप के साथ। तो अगर ये सरा भी निकल गया तो बाप का दिल तो दुखता है ना, बाप का बाप के दुखे, है ना, बाप का दिल दुखा, ध्यान रखना, ठीक है, समझो। निश से क्या हो जाएगा, निशा दीदी संग कुंवर सा अनूप को ब्याव बाप के दुखे, निशा दीदी संग कुंवर सा अनूप को ब्याव, अनूप को ब्याव बाप के दुखे, बाप अनूप को ब्याव बाप के दुखे। ये आपका क्या हो जाएगा, एक शानदार ट्रिक हो जाएगी स्टोरी के माध्यम से, समझे। अब स्टोरी ये हो गई, तो इसको अब देखो एक एक जिले का हम डिस्कस करते हैं। निश से हो जाएगा नेम का थाना, निश से क्या हो जाएगा नेम का थाना, नेम का थाना। सात से हो जाएगा शाहपुरा, सात से क्या हो जाएगा भाइयों शाहपुरा, ठीक है। इस डी से हम लेंगे, ये दीदी है ना, तो इसको थोड़ा सा हमने डी डी कर लिया, दीदी समझा या डी डी हो गया। डी से हो जाएगा आपका डिग, और इस डी से हो जाएगा डीडवाना कुचामन, इससे क्या हो जाएगा आपका डीडवाना, डीडवाना और कुचामन, है ना, डीडवाना कुचामन नए जिले बने। और इस शेष से हो जाएगा सलुम्बर, निशा दीदी संग कुंवर सा अनूप को ब्याव, ब्याव बाप के दुखे, क्योंकि निशा की शादी लव मैरिज की और अनूप निकल गया शराबी, है ना। गे से हो जाएगा ध्यान रखना गंगापुर सिटी, गे से क्या हो जाएगा आपका, गे से क्या हो जाएगा गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। कुछ से हो जाएगा, इस कुछ से कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ से क्या ले लिया, कुछ से इधर कुचामन ले लिया, है ना, इस कुछ से आप कुछ नहीं करें। और सात से हो जाएगा साचोर, सात से क्या हो जाएगा साचोर। अनूप से हो जाएगा अनूपगढ़, अनूप से क्या हो जाएगा अनूपगढ़ हो जाएगा। को से क्या हो जाएगा कोटपुतली बहरोड, क्या हो जाएगा कोटपुतली पुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। अब ब्याव से क्या हो जाएगा ध्यान दो, ब्याव से हो जाएगा ब्यावर, ब्याव से क्या हो जाएगा ब्यावर। और बास से हो जाएगा बालोत्रा, बालोत्रा, हर सर सारी चीज आपको याद हो रही होगी बालोत्रा। और इस पे से, पे को हम फे कर लेंगे बाद में, फलोदी, पे से फलोदी नहीं होगा, फे से फलोदी हो जाएगा, फे कर लेंगे। के से हो जाएगा ध्यान दो केकड़ी, के से क्या हो जाएगा केकड़ी हो जाएगा, के से हो जाएगा केकड़ी। और इस दू से क्या होगा दूदू, दू से हो जाएगा आपका दूदू, ठीक है। लास्ट कौन सा बच गया, खे से खेर थल तिजारा, खेर थल, खेर थल तिजारा आपका हो जाएगा। अगर बात करें तिजारा एक नया डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये इस ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें हम सीख सकते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट हमें याद हो जाएंगे, है ना। निशा दीदी संग कुंवर सा अनूप को ब्याह, बाप के दिल में दुखता है दुखे, है ना। तो नी से नेम का ताना, सापुरा, डी से डिग, इस डी से डिडवाना को चामन, से आपका हो जाएगा संग सलूमबर, गे से गंगापुर सिटी, कुछ से कुछ नहीं होगा, सा से हो जाएगा साचोर, अनूप से अनूप अनूपगढ़, को से कोटपुतली बहरोड, ब्याव से ब्यावर, और बास से बालोत्रा, फे से फलोदी, इस के से केकड़ी, और दू से दूदू, केस दूसरे, और खे से हो जाएगा आपका खेर थल हो जाएगा। आई थिंक ये सारी चीजें आपको याद हुई होगी। इसके अलावा और बच गए कितने, देखो कितने गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह, पंद्रह हो गए थे। अक्सर उन्नीस बताए थे, चार और देख लेते, चार बहुत इजी है। इजी क्या है, एक तो जयपुर है, हाँ के सर सुना है जयपुर, तो जयपुर, और दूसरा हो जाएगा जयपुर ग्रामीण, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, है ना, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा, कौन सा, जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, है ना, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा। आई थिंक यहां तक चीजें आपके क्लियर हुई होगी, है ये सारी चीजें आपको समझ में भी आई होगी। ओके, अब हम देखेंगे आगे और इसी से संबंधित। इसके अलावा हमने देखो 19 नए जिले देख लिए थे, लेकिन एकीकरण के बाद और भी जिले बने थे, है ना, वो कैसे क्या बने, कौन सी डेट को बने, उसको हम देखने वाले हैं। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं एकीकरण के समय, स्टार्टिंग की अगर बात करें तो एकीकरण के समय कितने जिले थे राजस्थान में, एकीकरण के समय समय राजस्थान के
26 जिले थे। कौन से थे? 26 जिले। एकीकरण के समय कितने जिले हो जाएंगे? 26। अब 26वां कौन सा था यही समझ लो। 26वां जो था वो आप समझे कि अजमेर बना। 26वां कौन सा बना? अजमेर बना। कि एकीकरण के समय कितने जिले हो गए, है ना? एकीकरण के समय अगर बात करूं तो एकीकरण से पहले 25 हो जाएंगे। एकीकरण के दिन आपका 26वां बना कौन सा? अजमेर। तो अजमेर बना। अजमेर की अगर बात करें तो ये बन कब गया? 1 नवंबर 1956 को बना। 1 नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। अब हम जो बात करने वाले कि राजस्थान का 27वां जिला, 28वां जिला, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां, है ना? 33 से आगे तो हमने सीख लिए, निशा दीदी संग कुंवर सानूप को ब्याह, लेकिन इनको भी सीखना बहुत जरूरी है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अगर एक ये हो जाएगा आपका 27वां जो होगा, 26वां होगा अजमेर, 1 नवंबर 1956, 27वां जो हो जाएगा, ध्यान दे, 27वां जो हो जाएगा आपका धौलपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर। ये कब बनता है भाइयों? तो ध्यान होना चाहिए आपको कि 15 अप्रैल 1982 को बनता है, है ना? 15 अप्रैल 1982। अब जैसे आप अगर मात को अजमेर कब बना याद हो जाएगा, सर 25 थे एकीकरण से पहले और 26वां बन गया अजमेर 1 नवंबर 1956। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 27वां। देखो सबसे पहले 27वां हो जाएगा, है ना? 27वां कौन सा? धौलपुर। धौलपुर मतलब सबसे पहले हम क्या करना, कहीं भी ज्यादा धोक देते ना, तो धोक धोल 27वां, है ना? अजमेर को छोड़ो, समझ में आ रहा चीज है? अजमेर को छोड़ो, अजमेर तो 26वां हो गया, अजमेर तो याद भी हो जाए एकीकरण के समय। 27वां धोक धोक देते, ओके। अब 28वां, देखो मैं सब इनको आपको याद भी करवा दूंगा, मेरा काम क्या है कि आपके दिमाग में ये चीजें बिठाना, है ना? ये नहीं कि पढ़ा के चले गई, हर एक चीज को जहां तक आपको याद नहीं होगी तब तक हम इस पर पढ़ेंगे, और एक ही काम रह गया, याद जब होगी तो आपका अगर बात करें इजी गोइंग आपको एग्जाम में आ जाएंगे, ओके। समझो, धोक दिया हमने सबसे पहले, क्या दिया? धोक दिया धौलपुर, ओके। अब इसके बाद आ जाएगा, एक याद कर लो, शब्द याद कर लो, BDR। एक शब्द आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा? BDR आ जाएगा। देखो BDR की अगर मैं बात करूं तो 20 से हो जाएगा 12, 20 से 12, और D से हो जाएगा आपका दोसा, D से दोसा, और राज से हो जाएगा राजसमंद। राज से क्या हो जाएगा? राजसमंद हो जाएगा, है ना? तीनों चीजें क्लियर हुई, ओके। 20 से 12, D से दोसा और राज से राजसमंद। ध्यान देना इनकी डेट आपके ऑलमोस्ट क्या सेम है, ये तीनों जिले एक साथ बनते हैं और ये बने आपके 10 अप्रैल कब बने? 10 अप्रैल 1991 में, और ये भी बना आपका 10 अप्रैल 1991 में, और ये भी बना आपका 10 अप्रैल 1991 में, है ना? कहीं कहीं अगर बात करें फर्स्ट कौन सा बना इसमें? 12, फिर दोसा, फिर राजसमंद। ध्यान देना ये एक ही तारीख है लेकिन इनका सीक्वेंस 12, दोसा और राजसमंद ही है, ध्यान रखना। एक ही दिन बने लेकिन ये सीक्वेंस पूछा गया कि 12, दोसा, राजसमंद का क्रम बताओ बनने के आधार पे, तो 12, दोसा, राजसमंद ही था भाइयों, ध्यान देना, ये एग्जाम में पूछा गया। ये नहीं कि एक तारीख को बना तो हम कैसे भी याद कर ले, नहीं, BDR ही होगा, है ना? तो धोख दिया, फिर BDR, ये 30 तक हो गए, ओके। अब 31वां भी याद करवाएंगे। 31वां कैसे याद करवाएंगे? याद करवा देंगे हमें हक है याद करवाने का। हमें क्या है? आपको हर चीज याद करवाने का हक है ना? तो हक है, होना ही चाहिए मेरा, ये लो हक, ये मुझे क्या है? हक है। तो ये हो गया से हनुमानगढ़, है से क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। मुझे चीजें याद करवाने का आपको हक है, ये मेरा हक है। तो ऐसे हनुमानगढ़, और कैसे हो जाएगा आपका? करौली। कैसे क्या हो जाएगा? करौली हो जाएगा। कैसे करौली हो जाएगा? अब इसको समझते हैं, इसको क्या समझते हैं कि ये कौन सी तारीख को बने, है ना? अब देखो 10 और 10 से जस्ट आगे बढ़ेंगे हम 12 हो जाएगा 12 जुलाई
12 जुलाई 1994 में। देखो डेट आपको याद करनी पड़ेगी, सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं, डेट तो डेट में क्या बताई ट्रिक है ना, सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं। और इसके बाद हो जाएगा आपके, बात करें तो 19 जुलाई, इसके बाद क्या हो रहा है 19 जुलाई 1997 को अगर मैं बात करूं तो आपका नया जिला जो बना वो आपका बन के सामने आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा, 33वां हो जाएगा। 33वां देखो प्रतापगढ़ सबको याद होगा, राजस्थान का 33वां जिला, क्योंकि ये आपकी अगर बात करें 33वां जिला ये कब बन गया, तो 26 जनवरी, ये कब बन गया 26 जनवरी 2008 को बन गया। अब 2008 के बाद 2023 में नए जिले बने, तो 8 से लोग ये याद कर रहे हैं राजस्थान का नवीनतम जिला प्रतापगढ़, राजस्थान का नवीनतम जिला प्रतापगढ़। तो ये अगर मैं बात करूं देखो 10, 13 और 15 साल तक ये नवीनतम जिला रहा, कौन सा प्रतापगढ़, तो इसको तो भूलने वाले हैं नहीं हम। वापस देखे सबसे पहले धोखे दिया धौलपुर को है ना, फिर हमने क्या क्या बीडीआर कर लिया, क्या क्या बीडीआर कर लिया, फिर हमारा हक था आपको याद करवाने का, हक हो गया हमारा, और फिर नवीनतम 15 साल तक जो नवीनतम है प्रतापगढ़ उसको याद कर लिया है ना, तो ये याद हो गया ना। और 2600 एकीकरण के समय अजमेर था। अब देखिए कि सर हमें ये तो याद हो गए, अब आपने इससे पहले ये भी बता दिए थे, क्या बता दिए गए इससे पहले आपने ये भी बता दिए थे कि 33 नहीं करेंगे हम, 34 करेंगे है ना, कि 33 तो हो गया प्रतापगढ़, हम करेंगे 34 से 50 जिले। हमने एक ट्रिक आई उसके माध्यम से याद किया, निशा दीदी संग अनूप सा कुंवर को ब्याह बाप के दुखे, इस ट्रिक से हो गया। और ये अगर बात करें ये जो ये बने आपके, ये आपके जो बने ये आपको 7 अगस्त 2023 में घोषणा की। इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उस समय जो हो जाएंगे आपके, कौन से हो जाएंगे अगर मैं बात करूं तो उस समय हो जाएंगे अशोक गहलोत थे। कौन थे, अशोक गहलोत थे। और एक कौन सी समिति की सिफारिश से बनी है, कौन सी समिति थी ये नए जिले, कौन सी समिति की सिफारिश से बने, तो ध्यान देना राम लुबाया है ना, राम लुबाया। अशोक गहलोत जी ने क्या किया, राम लुबाया समिति, जब अगर बात चुनाव की बारी आई तो इनको क्या कर दिया, लुबाया सब जनता को, क्या क्या रुबाया लुबाया है ना, लोभ दिया। तो राम लुबाया समिति की सिफारिश पे अशोक गहलोत ने 7 अगस्त 2023 को 19 नवीनतम जिले की घोषणा की, जो हो जाएंगे आपके कौन से 34 से 50 आपके जिले हो जाएंगे। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी, हमने हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। देखो यहां पर बहुत जीरो से पढ़ाया जा रहा हर एक चीज, एक बार पढ़ने के बाद आपको कहीं भी जो गुरु भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी है ना, ठीक है ये समझ में आ गए। अब आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे संभाग, अब हम क्या देखेंगे राजस्थान में संभाग, पहले नवीनतम संभाग देख लेंगे कितने बने, नवीनतम संभाग जो आपके बने वो कितने बन जाएंगे, वो आपके अगर बात करें राजस्थान के नवीनतम संभाग है ना, टोटल संभाग कितने हैं, टोटल संभाग पहले थे 7 और नए कितने हो गए 3, तो टोटल कितने हो गए 10 हो गए। इसका मतलब नए जो संभाग बने नवीनतम कितने बने, 3 संभाग बने नवीनतम, मैं लिख रहा हूं यहां पर संभाग कर लो, नवीनतम 3 संभाग, कितने संभाग हो गए 3 संभाग नवीनतम संभाग बने है ना, 7 और 3 10 संभाग भी वर्तमान में है। तो नए संभाग कितने बन गए अपने, 3 संभाग बन गए। कि सर आपने जिलों के जो शानदार ट्रिक भी बता दी समझ में भी आ गया, इनकी भी बता दो जिससे कि हमें इजी याद हो जाए, कंफ्यूज नहीं हो। ओके बता देंगे, हमारा काम क्या है, हमारा काम यही है कि चीजें आपके दिमाग में, दिलों और दिमाग में बैठे है ना, और आपको जो एग्जाम के क्वेश्चन गलत होने का जो दहशत है वो हट जाए, बहुत ही इजी तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ओके इसकी एक ही ट्रिक होगी, बापसी है ना। अब अनूप का बाप का दुख गया दिल, उसमें मैंने जिलों में देखा था, तो बाप से ही बापसी ले लेते हैं, बापसी
है ना, बांस से हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। बांस से क्या हो जाएगा, एक नया जो बना आपका वो बांसवाड़ा बन गया, ये लो बांसवाड़ा, ठीक है। और पैसे जो हो जाएगा, पैसे जो हो गया वो आपका हो जाएगा पाली, पैसे हो जाएगा पाली। और सी से हो जाएगा सीकर। अब आपके दिमाग में सिरोही भी आ रहा होगा, है ना, आपके दिमाग में क्या आ रहा, सिरोही भी आ रहा है, ये लो सिरोही लिख दिया मैंने, कि सर सी से तो सिरोही भी होता ना, और मैंने ये लिख दिया सीकर। सी से सिरोही भी होता है और मैंने लिख दिया सीकर। अब आप ही बताओ इस ट्रिक से आप क्या करोगे, एग्जैक्ट कौन लिख रहा सी से सीकर, है ना, तो इसको तो याद ही नहीं करना। ये बाप से हो जाएगा बांसवाड़ा, पाली और सीकर। राजस्थान के तीन नवीनतम जो संभाग बने वो एक ही ट्रिक से हो जाएंगे, ठीक है, बाप से हो जाएगा। अब हम जो देखने वाले इन बांसवाड़ा, पाली, सीकर में कौन कौन से जिले आते हैं वो हम देखेंगे, कौन कौन से जिले आते हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए, हमने देखा तीन नवीनतम संभाग, तीन नवीनतम संभाग। अब इन संभाग की अगर मैं बात करूं तो पहला कौन सा संभाग देखा था हमने, पहला जो हमने देखा था वो हमने देखा था बांसवाड़ा, कौन सा देखा, पहला जो हमने देखा था वो आपका हो जाएगा बांसवाड़ा, ये लो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा संभाग, है ना। अब बांसवाड़ा संभाग, और इसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका बांसवाड़ा की अगर बाद में बात करूं तो हो जाएगा पाली, बांसवाड़ा के बाद पाली। और थर्ड कौन सा हो जाएगा आपका सीकर, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। अब समझो, अब इसमें जो जिले आपको मिल रहे हैं किसमें, अब इसमें जो जिले आपको मिल रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, तीन जिले। अब पाली में कितने हो जाएंगे, चार जिले, और सीकर में कितने हो जाएंगे, चार जिले। एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि इनमें से कौन सा नवीनतम संभाग नहीं है इनके अलावा, एक संभाग एक ही हो जाएगा क्वेश्चन। बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में अगर मैं बात करूं कितने जिले आते हैं बांसवाड़ा संभाग में, तीन। पाली में कितने आते, चार। और सीकर में कितने आएंगे, चार। ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम देखेंगे, अब देखिए, अब अगर बात करें, अगर मैं बात करूं तो बांसवाड़ा में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, बांसवाड़ा में कौन कौन से जिले आ रहे हैं तो वो हम देखेंगे। बांसवाड़ा खुद आ जाएगा एक तो, है ना, बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा आ गया। अब इसके बाद अगर बात करें तो एक बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये तो हमेशा साथ में आएंगे, तो लिख दो साथ में। और एक जो आ जाएगा आपका प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, तीन जिले आ जाएंगे। चलिए अब इसके बाद पाली में, पाली में सर, पाली में सर जैसा कि आप बता रहे तो एक तो खुद पाली हो जाएगा, ये लो पाली, एक तो पाली हो गया। इसके बाद पाली हो गया तो पाली के पास में जालोर, और जालोर से नया बना सांचोर, सांचोर, है ना, सांचोर। साचोर, और साचोर की अगर बात करें तो एक हो जाएगा सिरोही। साचोर के बाद अगर बात करें तो सिचोर, पाली के पास में जालोर, साचोर और सिरोही, ये जिले आते। और सीकर में कौन सा हो जाएगा, सीकर में एक तो आपका हो जाएगा सीकर खुद, और इसके बाद सीकर चूरू तो आएगा ही आएगा, और झुंझुनू भी इसके साथ आता ही आता है। सीकर चूरू झुंझुनू, है ना, सीकर चूरू झुंझुनू। और सीकर से एक नया जिला जो बना है उसकी मैं अगर बात करूं तो वो हो जाएगा आपका नेम का थाना, नेम का थाना हो जाएगा। तो ये राजस्थान के नवीनतम संभाग तीन है, और इन संभागों में कौन कौन से जिले ऐड किए गए वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक ये चीजें आपके क्लियर हुई होगी, आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम इसको अगर बात करें मैप से भी देखना चाहे, है ना, तो भी अगर देख पा रहे होंगे, मैप से भी अगर हम देखना चाहे तो भी हम देख सकते हैं। जैसे देखो, ये हो जाएगा आपका राजस्थान का मैप, ये राजस्थान का मैप है, ये देखो, दिख रहा है सबको, है ना, आई थिंक दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं।
चलो नहीं हो रहा अभी समझ लो ना। ओके, जैसे हमने बात की, ये देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ये प्रताप, ये आपका जो संभाग हो गया बांसवाड़ा संभाग हो गया, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम संभाग है ना, राजस्थान का सबसे सबसे दक्षिणतम संभाग, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम संभाग हो गया, ठीक है। और इसी के पास में ये देख पा रहे होंगे है ना, पास तो नहीं थोड़ा सा दूर, ये पाली है, ये क्या हो जाए पाली, और पाली के पास में जालौर, इसके नीचे सिरोही, और पाली के पास में जालौर सिरोही, और ये आपका हो रहा है साचौर, ये सब है ना, ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पाली, पाली है ना, पाली संभाग हो जाएगा, पाली संभाग हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक आता है जैसा कि ये देख बस सीकर है, अब इस सीकर के इस तरफ झुंझुनू, ये चूरू, और इसी के पास में ये नेम का ताना, तो ये हो जाएगा आपका सीकर संभाग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सीकर संभाग हो जाएगा। तो राजस्थान के तीन संभाग हमने बहुत ही डिटेल से पढ़े और ये चीज आपको समझ में भी आई होगी है ना, आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब हम देखेंगे अगले, अगर बात करें लेक्चर में राजस्थान के जो बचे हुए संभाग हैं, कौन से 7 संभाग, इनमें से और कौन कौन से नए नए जिले जुड़े, सभी को देखेंगे और उसके बाद आगे उसी में हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का स्थिति और विस्तार। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपको हर चीज समझाने का है ना, अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूं जिससे कि आपको एग्जाम में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं हो है ना, हमने हर एक छोटी छोटी चीज को समझा, क्यों समझा, क्योंकि गलतियां हो जाती है, उन गलतियों को अगर हम पहले सुधार लेंगे तभी हो पाएगा, केवल पढ़ाने से मतलब नहीं, आपका जहां मिस्टेक होगा उसको हमें क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है, या वहां पर ट्रिक बता के वह किसी भी टाइप से समझा के आपको समझाना बहुत जरूरी है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।